नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो व्यूअर, मैं यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो इस कमेंट्स में एक कमेंट आया हुआ है राकेश कुमार जी का। राकेश कुमार जी मुझसे पूछते हैं कि जैसे A1 में अगर कोई नाम लिखा हुआ है, उसको रिवर्स ऑर्डर में करना है, जो रिवर्स ऑर्डर आपको दिख रहा है, इस रिवर्स ऑर्डर में करना है, कैसे करें? तो इसके लिए बता दूं सर कि नॉर्मल एक्सेल में तो कोई इसकी नॉर्मल एक्सेल में तो इसकी कोई तरीका नहीं है, लेकिन हाँ, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सुजीत, मुझे इसको रिवर्स करना है, तो मैं विजुअल बेसिक पे जाऊंगा, एक नया मॉड्यूल असाइन करूंगा और फंक्शन एक फॉर्मूला क्रिएट कर लेता हूँ कि फंक्शन रिवर्स नेम RN के नाम से बनाता हूं, और यहाँ एन एज ए हमने कर दिया स्ट्रिंग। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल RN, और इसको जब सेलेक्ट करते हैं, तो जो A1 की वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी हमारी किस पे, N पे। अब फिर यहाँ हम लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू, चले 1 2, इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उस लेंथ में के अकॉर्डिंग, फिर नेक्स्ट आई, फिर एक वेरिएबल देता हूं यहां पे कि डिम आर एज ए स्ट्रिंग, और आर इक्वल टू आर के साथ कंबाइन होगा राइट, RIGHT राइट, राइट में हमने एन कॉमा आई दे दिया। नहीं, मुझे यहाँ क्योंकि एक एक लेटर अलग करना है ना, तो राइट नहीं लगेगा, मिड लगेगा। हाँ, मिड मिड, और इसमें से निकलेगा एन में से निकलेगा, स्टार्ट नंबर क्या होगा, तो लेन एन माइनस आई प्लस वन कॉमा। अब मैं देखता हूं करके, अभी मैं भी पहली बार कर रहा हूं, तो हो सकता है कुछ पहली बार में कुछ गलती हो जाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि परफेक्ट हो। परफेक्ट है, जैसा कि एक कमेंट में बोल रहे थे। तो रिवर्स ऑर्डर के लिए वर्क परफॉर्म कैसे हुआ, हमने बोला मिड, मतलब कि हमने बोला कि आपको इसमें से मिड लगाना है हमें, और मिड में से इसमें से मुझे एड्रेस को अलग करना है, और स्टार्ट नंबर होगा इसकी कंप्लीट लेंथ, मतलब कि जितना लेंथ है उतना लेंथ, एंड कॉमा हमने यहाँ पे वन दे दिया। तो इसने क्या किया हुआ है, टी को अलग किया। अब अगली बार जब मैं करूंगा मिड लगाऊंगा, मिड इसको सेलेक्ट करूंगा और बोलूंगा कि लेन लेन में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया माइनस वन वन एंड कॉमा वन, ये हो गया। मतलब कि इसको कैसे करेंगे बताता हूँ आपको, अगर मैं ऑटोमेशन करूँ तो मिड मिड में हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा लेन, और लेन में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और माइनस किया रो माइनस टू, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है ना, दो आएगा रो में तो इसे आएगा, और कॉमा वन। अब इसको नहीं, ओके, इसको 1 मिनट मैं बड़ी ब्रैकेट में डाल देता हूँ। हाँ, अब सही है, और ये जो A1 को फ्रीज कर देता हूँ F4 से, और यहाँ नीचे तो यार ये भी फ्रीज होगा ना A1 हमारा।
तो ये अलग अलग सेल पे आ रहा है सर। अब मुझे यहाँ पे कंबाइन करना है, तो 2019 होता तो मैं यहाँ पे सिंपल टैक्स ज्वाइन या कॉन्केट फॉर्मूला लगा के सबको कॉन्केट कर लेता एक सेल में, लेकिन ये अलग अलग सेल से अलग अलग, ये 2016 है तो 2016 में फीचर नहीं है, तो आप लोग भी इसको कर सकते हो। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि राकेश कुमार जी और बाकी और लोग भी है जो मुझसे कमेंट्स पे सवाल पूछते हैं, आप कमेंट पे सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट का सवाल का जवाब मैं तुरंत दूंगा ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो देखना मुश्किल हो जाता है सबको एक ही दिन में तुरंत जवाब देना। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में अपना नंबर शेयर करता हूँ कि आपको अगर कोई डाउट आया और तुरंत पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। साथ में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट एडवांस एक्सेल एक्सपर्ट लेवल में सीखें तो मुझसे आप सीख सकते हैं डायरेक्ट जूम ऐप के थ्रू। अब मेरे सारे वीडियो जो देखते हैं वो हमारी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड सेशन होता है, हर क्लास रिकॉर्ड होती है, तो रिकॉर्डिंग हम कुछ रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। यूट्यूब पे मैंने सारे वीडियो सिक्वेंस में नहीं डाली हुई है, वो प्रमोशंस के लिए हम यूट्यूब पे डालते हैं, ऐसे आप कर सकते हो। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप iptindia.com पे लॉगिन करें, वहां से ऑनलाइन क्लासेस लें। आप अपनी कोई फाइल कोई प्रोजेक्ट भी बनवाना चाहते हो तो भी मुझसे बनवा सकते हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।